Hello, my dear students. Good afternoon. Welcome for the next lecture. Today we will do some numericals over the previous lectures, based over the previous lectures. Here it is one. Two fixed positive charges, 4E and ER at a distance, are apart. तो हमारे पास दो फिक्स चार्जेस हैं, एक प्लस 4E है और एक प्लस E है. कितने डिस्टेंस अपार्ट है? दे आर डिस्टेंस से आर अपार्ट. वेयर शुड अ थर्ड पॉइंट चार्ज क्यू बी प्लेस्ड बिटवीन देम सो दैट द थर्ड चार्ज क्यू बी इन इक्विलिब्रियम. तो हम एक तीसरा चार्ज इन बीच में रखना चाहते हैं. उसे हम कहां रखें कि जो थर्ड चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में रहे. लेट द थर्ड चार्ज क्यू बी प्लेस एट पॉइंट 3 एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम प्लस 4E चार्ज. मान लेते हैं यहां कहीं रख देते हैं, यहां कहीं रख देते. So this is third charge Q. This is one, this is second, this is third. तो ये दो charges थे, उनके कहीं बीच में रखेंगे. बीच में क्यों रखेंगे? अगर ये दोनों positive हैं, तो ये अगर positive होगा, तो ये इसे इधर repel करेगा और ये इसको इधर repel करेगा. कहीं ना कहीं दोनों का vector sum क्या होना चाहिए? Should be equal but opposite, ताकि इनका vector sum zero है. अगर ये नेगेटिव होगा तब भी इट्स पॉसिबल. अगर ये प्लस है और ये नेगेटिव है तो ये इसको इस साइड खींचेगा और ये वाला चार्ज इस साइड खींचेगा. दोनों की फोर्सेस इक्वल होंगी, वो पोजीशन निकालनी, दैट इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन. दिस चार्ज कैन नॉट बी आउटसाइड इट, क्योंकि अगर हम इसको बाहर रखेंगे तो अगर ये दोनों पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो इट विल रिपेल, बोथ विल रिपेल. और अगर ये नेगेटिव होगा तो बोथ चार्जेस विल अट्रैक्ट इट. इसलिए इक्विलिब्रियम पोजीशन इस थर्ड चार्ज क्यू की इन दोनों के बीच में ही होगी. तो इसलिए हमें थर्ड चार्ज क्यू है उन दोनों के बीच में रखा है और एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम 4E. अगर ये डिस्टेंस एक्स है तो ये कितना होगा? इट शुड बी आर माइनस एक्स. सी द थर्ड चार्ज क्यू बी इन इक्विलिब्रियम एंड फॉर इक्विलिब्रियम द नेट फोर्स शुड बी जीरो. फॉर Q to be in equilibrium. अगर हम चाहते हैं कि जो चार्ज Q है वो इक्विलिब्रियम में रहे, then the force on the third charge should be zero. Net force on this charge should be zero. And what is the force over this charge? It is because of the first charge plus because of the second charge. Superposition principle. We are using superposition principle. So what is the force on third? Force on third is because of 1 and force on third is because of 2. The vector sum is equal to 0. Or you can say force on F31 is equal and opposite to force on 3 because of 2. Since we are bothering about the distance, so negative sign is not so important. So we can take the mod of it. Let's take the mod of it. Dono ka magnitude अपोजिट इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन में अपोजिट होना चाहिए. लेट्स फाइंड व्हाट इज द फोर्स ऑन 3 बिकॉज ऑफ 1. इट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन यूजिंग कूलम्स लॉ. व्हाट इज चार्ज ऑन 3? इट इज क्यू. व्हाट इज चार्ज ऑन 1? इट इज प्लस 4E. व्हाट इज द डिस्टेंस? इट इज एक्स स्क्वायर. व्हाट इज फोर्स ऑन 3 बिकॉज ऑफ 2? इसके कारण इसमें फोर्स क्या होगी? इट इज क्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. It's Q. What is charge here? E. What is distance here? R minus X ka whole square. Cancel it. See, QQ cancels. Even EE cancels. What is left? 4 upon X square equals to 1 upon R minus X ka whole square.
can cross multiply it. 4r minus x whole square equals to x square. Taking square root of both sides. दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लो, तो यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा r माइनस x, और अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर इज से प्लस माइनस x. इधर भी ले सकते हैं, इधर तो लेट्स टेक प्लस माइनस x है. और वी हैव टू सिचुएशंस, 2 r माइनस x इक्वल्स टू x, और 2 r माइनस x इक्वल्स टू माइनस x. तो सी लेट्स सॉल्व दिस. 2r minus 2x equals to x. So 2r equals to 3x. What is x equals to? 2 by 3r. Here, it is 2r minus 2x equals to minus x. 2r equals to minus 2x. Minus simple x. So what is x equals to? 2r. So we have two situations, x equals to 2 by 3r, x equals to 2r. This is not possible. This is not possible. Maine abhi bataya aapko ki equilibrium position in dono charges ke beech mein hi aayegi. So our answer should be less than r. The 2r. Is side bhi nahi aa sakti hai, is side bhi nahi aa sakti. मैंने अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स. इट मींस इफ वी कीप अ चार्ज क्यू एट अ डिस्टेंस एक्स इक्वल्स टू 2 बाय 3 आर, देन द चार्ज क्यू विल बी इन इक्विलिब्रियम. तो व्हाट्स द आंसर? एक्स इक्वल्स टू 2 बाय 3 आर फ्रॉम प्लस 4 ई चार्ज. So we will place a third charge Q at a distance x equals to 2 by 3r from plus 4 each charge, so that the charge Q be in equilibrium. Now, this is the first one. What is the second one? Under what conditions will the equilibrium of charges Q be stable and unstable? And it's very important. चार्ज क्यू इक्विलिब्रियम में तो आ गया, अब कंडीशंस ये है कब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा और कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा. तो इफ क्यू इज पॉजिटिव, मान लेते हैं क्यू क्या है, पॉजिटिव. अगर क्यू पॉजिटिव ऐसी है, ये चार्ज कौन सा है, प्लस 4, ये कौन सा है, प्लस सी. अगर क्यू पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये वाला चार्ज क्या करेगा, उसको इस तरफ धक्का देगा. ये वाला चार्ज क्या करेगा, उसको इस तरफ धकेलेगा. दिस इज एफ फोर्स ऑन 3, दिस इज फोर्स ऑन 3 बिकॉज ऑफ 1, एंड दिस विल बी फोर्स ऑन 3 बिकॉज ऑफ 2. दीज टू फोर्सेज विल बी इक्वल एंड अपोजिट. तो सी, अगर ये वाली, इसको अगर हम इधर करेंगे थोड़ा सा, तो ये चार्ज कहां चले जाएगा, इस साइड. लेकिन इसको इधर करने से इसकी फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. अगर हम इसको थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे, दिस इज एन इक्विलिब्रियम पोजीशन, दिस इज एन इक्विलिब्रियम पोजीशन. आपका क्वेश्चन था इज इट ए स्टेबल और अनस्टेबल. तो लेट मी टेल यू व्हाट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, व्हाट इज unstable equilibrium. Stable equilibrium, equilibrium में क्या होता है, अगर एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है और अगर हम उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं तो वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजिशन में वापस आ जाती है. अगर हम थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं, अगर वापस आया तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और अगर वो वापस ना आ पाए दैट इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. जैसे फॉर एग्जाम्पल this is a bulb, say for example this is a bulb, और उसमें आपने यहां पे एक छोटा सा मार्बल रखा है, तो इट विल स्टे हियर. अगर आप इसको थोड़ा सा हिलाएंगे, दिस इज द इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन.
अगर हम इसे थोड़ा सा हिलाएंगे, इससे हिलाएंगे तो इट विल रिटर्न बैक टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर हम इसको थोड़ा सा इधर भी हिलाएंगे, इट विल रिटर्न बैक टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम, जिसमें थोड़ा सा हिलाने पे बॉडी अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन को खो नहीं देती है, दैट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर हम सेम बॉल लें, उसको इन्वर्ट कर दें, इन्वर्टेड बॉल यू कैन से, और उसके यहां पे अगर हम मार्बल रखें, नाउ वी कैन बैलेंस द मार्बल ओवर इट, दैट इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर दैट मार्बल। लेकिन अब अगर हम इसे थोड़ा सा डिस्टर्ब करें, अगर हम इसको इस साइड थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे, तो ये कभी भी वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन गेन नहीं करेगा, इट विल गो देयर। और अगर हम इसको इधर डिस्टर्ब करेंगे तो इट विल कम हियर, इट विल नॉट गो बैक टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इफ इट इज स्लाइटली डिस्टर्ब फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। This is the stable equilibrium, this is unstable equilibrium. Now see here, in case of charges, अगर हम ये plus charge रखेंगे और ये भी positive है, ये भी positive है, तो ये वाला charge इसे उस तरफ repel करेगा, ये वाला charge इसे इस तरफ repel करेगा, both are repelling each other, both are equal in magnitude. तो अगर हम इसे इस तरफ थोड़ा सा लेके जाते हैं, तो ये force, ये वाली forces फिर भी इधर है जो इसको वापस खींच रही है। अगर हम इसको इस तरफ फॉरवर्ड लेके आएंगे, तो ये वाली फोर्स इसको इस साइड खींचेगी। इसका मतलब अगर हम इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन को थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं, इस साइड डिस्टर्ब करते हैं, तो वो वापस आ सकता है। अगर हम इसको इस साइड लेके आते हैं, तो वो वापस उस साइड जा सकता है, बिकॉज दिस फोर्सेज आर पुलिंग इट बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। तो दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। इट मीन्स फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम द चार्ज क्यू शुड बी positive, if these two are positive. In the question, these two are positive. It means, if this charge is positive, we get a stable equilibrium. Now, अगर ये charge negative होगा, तो obviously, if charge is negative, Q is negative, we get unstable equilibrium. मैं भी समझाता हूं। अगर चार्ज सी दिस फिगर, फिर से ये सेम सिचुएशन, प्लस फोर ई चार्जेस हियर, प्लस ई चार्जेस हियर, दिस इज पॉइंट वन, दिस इज पॉइंट सेकेंड, बट दिस चार्ज क्यू इज हियर नाउ नेगेटिव। अगर माइनस क्यू है फॉर एग्जांपल, चार्ज नेगेटिव है, तो ये वाला चार्ज थर्ड पोजिशन है, इसको अपनी तरफ खींचेगा इस तरफ, दिस विल बी द फोर्स ऑन थ्री बिकॉज ऑफ वन। ये वाला चार्ज इसको उस तरफ खींचेगा, दिस विल बी द फोर्स ऑन थ्री बिकॉज ऑफ टू। अब अगर हम इसे फॉर एग्जाम्पल इसको हम इस तरफ करते हैं, इस तरफ थोड़ा सा स्लाइटली अगर हम इस तरफ करते हैं, तो क्या होगा, इट विल मूव टू दैट साइड। व्हाई? क्योंकि ये डिस्टेंस कम हो जाएगा और ये फोर्स स्ट्रांग हो जाएगी, तो उधर चले जाएगा। अगर हम इसको इस साइड करते हैं, इस साइड, तो ये डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो ये फोर्स स्ट्रांग हो जाएगी एज कंपेयर टू दैट वन, तो ये इस साइड आ जाएगा। इट मींस ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन लूज कर जाएगा इफ इट इज स्लाइटली डिस्टर्ब। तो दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। हियर अगर हम इसको यहां करते, इस साइड करते, तो कौन सी फोर्स कम होती? ये डिस्टेंस कम होता, ये डिस्टेंस कम होता, तो ये फोर्स ज्यादा होती। कौन सी? ये वाली ज्यादा होती, तो ये वापस उसे इस साइड ले आता। अगर हम इसको यहां पे स्लाइटली यहां ले आते, तो ये डिस्टेंस कम होता, ये डिस्टेंस कम होता, तो ये वाली फोर्स ज्यादा होती एज कंपेयर टू दिस वन, तो ये उसको उस साइड खींचते। It means this is a stable equilibrium. In this case, ऐसा नहीं हो रहा है।
अगर हम चार्ज को उधर करते हैं तो ये डिस्टेंस कम होता है, ये डिस्टेंस कम होने पे ये फोर्स स्ट्रांग हो जाती है और ये वीक हो जाती है और वो उससे चले जाता है, दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इट मींस फॉर द इफ द क्यू इज पॉजिटिव वी हैव ए स्टेबल इक्विलिब्रियम, इफ क्यू इज नेगेटिव वी हैव अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एंड देयर इज वन मोर थिंग, अगर अगर ये चार्ज परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर हो, सी माइनस क्यू सॉरी प्लस फोर ई प्लस ई एंड दिस इज ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, तो ये फोर्स अगर यहां पे चार्ज ले जाए, अगर ये प्लस क्यू चार्ज हो तो क्या होगा, ये वाला चार्ज क्या करेगा, उसको अपनी तरफ खींचेगा, इस साइड रिपेल करेगा क्योंकि इट इज पॉजिटिव, ये वाला चार्ज क्या करेगा, उसको इस साइड रिपेल करेगा। तो अगर हम इसे रिजॉल्व करते हैं, मान लीजिए ये दोनों बराबर है, फोर्सेस आर इक्वल, तो ये और ये बैलेंस हो जाएंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे तो इस साइड और इस साइड, तो ये चार्ज कहां जाएगा, इफ इट इज पॉजिटिव तो इट विल गो अपवर्ड्स, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन थी इसकी। अगर हम उसको स्लाइटली ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, यहां रखते हैं, तो इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे द चार्ज शुड बी प्लस क्यू फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और यू कैन से इफ इट इज प्लस क्यू तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। व्हाई, यहां ना हो कि अगर चार्ज के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है तो अगर ये प्लस क्यू है तो ये फोर्स इसको रिपल्सिव फोर्स होगी, ये भी फोर्स रिपल्सिव होगी। अगर हम इस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्व हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे, आपने 11th क्लास में पढ़ा, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट बैलेंस हो जाएंगे और ये दोनों ऊपर की तरफ एड अप हो जाएंगे, तो ये चार्ज ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम से बाहर जा रहा है, तो दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर यही चार्ज अगर नेगेटिव होता, सी यही दो चार्जेस, अगर यही चार्ज नेगेटिव होता इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बाइसेक्टर पे, माइनस क्यू चार्ज होता, तो ये वाले फोर्स इधर इधर नहीं इस तरफ खींच रही होती, ये वाली फोर्स इस तरफ खींच रही होती। अगर हम इसको रिजॉल्व करते, ये कंपोनेंट कैंसिल हो जाते और नेट कंपोनेंट जो होते एड अप हो जाते नीचे वाली साइड। नो सी फॉर दिस is moving towards equilibrium position. तो अगर हमने इसको चार्ज को ऐसे ना मूव करना हो, ऐसे मूव करना हो, जैसे इसमें ऐसे ऐसे मूव कर, अगर हम इसको ऐसे मूव करना चाहते हैं तो इक्विलिब्रियम जो स्टेबल इक्विलिब्रियम है वो रिवर्स हो जाता है। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या कौन सा चार्ज होना चाहिए, शुड बी नेगेटिव, और अनस्टेबल के लिए शुड बी प्लस क्यू, और यू कैन से इफ इट इज प्लस क्यू इट विल बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां क्या था, अगर ये प्लस था तो यहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम था, यहां पे अगर क्यू नेगेटिव था तो यहां पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्यों, क्योंकि यहां पे चार्ज हम अलोंग द एक्सिस मूव करवा रहे थे, इधर और हियर। इसमें अगर चार्ज को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मूव करवाते हैं एंड दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज मूविंग पासिंग थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो क्या हो रहा है, तो जस्ट अपोजिट हो रहा है प्रीवियस केस का। This I want to say. So this was the first numerical for you, the equilibrium position and the conditions for the equilibrium. Now the next topic. The next numerical. See. For example, we have a charge Q. And some part of the charge Q is given to another body. And then, for example, this question, there is a charge Q, and some part of this charge, say Q, is given to some other body. So what is the charge of this body? It's Q. What is the charge left behind? It is Q minus Q. Now, what will be the relation between these two charges, capital Q and Q,
for the force to be maximum, repulsive force. इन दोनों के बीच में कौन सी फोर्स होगा? अगर ये q माइनस q और ये q है तो उनमें ऑब्वियसली कौन सी फोर्स होगी? रिपल्सिव फोर्स होगी. तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कैपिटल q एंड q फॉर द फोर्स टू बी मैक्सिमम. वंस अगेन व्हाट इज द क्वेश्चन? एक चार्ज बॉडी है, उसका टोटल चार्ज कितना था? q. उसमें से जो स्मॉल क्यू है वो दूसरी बॉडी को ट्रांसफर कर देगी, तो ऑब्वियसली इसमें क्यू चले गया और इसमें कितना बच गया? क्यू माइनस क्यू. और उनको आपस में कुछ डिस्टेंस पे रखा गया. से आप व्हाट विल द रिलेशन बिटवीन क्यू एंड क्यू फॉर द फोर्स टू बी मैक्सिमम? नाउ वी नो द फॉर्मूला ऑफ द फोर्स इज बाय कूलम्स लॉ, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 1 क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर. F equals to say let it be k. K is a constant. Q, what is q1 here? Let it be q minus q. Here it is small q divided by r square. For force to be maximum, if force is maximum, for maximum force, its differentiation should be zero. Why? If it is a maximum, it means it is a constant. If you are saying a thing is a maximum or a minimum, maximum or minimum thing are always constant, then its differentiation should be zero. So for maximum force, the differentiation of force with respect to some variable. Now which is the variable here? Which is the variable? Small q. Df by dq should be equals to zero. Distance is fixed, for example. We want the relation between q and small q. Q, q. How much charge is transferred? It is q charge is transferred. So small q is the variable. So df by dq should be zero. So let's differentiate this equation with respect to q. K, q minus q into q divided by r square should be zero. Take k, k by r square ko humne bahar nikal liye. Constant d by dq, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, q into q minus q square should be equals to zero. This is d by dq, q minus q equals to zero. Transfer it here, so differentiate it, q dq by dq minus d by dq of q square should be zero. It's q minus 2q equals to zero. It means q equals to 2q, or you can say q should be equals to half of q. See, so what is the relation? For the force to be maximum, this q should be half of the total charge capital Q which was initially present in the body. This is the relation between these two charges for the force to be maximum. Here is the next numerical. Two particles, each having a mass of 5 gram and charge 10 raised to minus 7 coulomb, stay in a limiting equilibrium on a rough horizontal table with a separation of 10 centimeters. तो एक हमारे पास टेबल है, से दिस इज अ टेबल, उसके बाद हमने हॉरिजॉन्टल टेबल है, इट्स अ रफ हॉरिजॉन्टल टेबल, मींस फ्रिक्शन इज देयर. तो दिस आर टू पार्टिकल्स, ईच ऑफ मास 5 ग्राम. मास कितना है इनका? 5 ग्राम. और इनका चार्ज कितना है? 10 रेज़ टू माइनस 7 कूलम. इट्स q1 एंड हियर इट इज q2, 10 raised to minus 7 coulomb. Oh, kitna distance in ke beech mein, separation distance? 10 centimeter. Distance is 10 centimeter. The coefficient of friction between each particle and the table is the same. Find the value of this coefficient. Ab jab ye do charges rakhe hue hain, each having a mass 5 gram aur dono ka charge 10 raised to minus 7 coulomb hain, to dono aapas mein kya karenge? Repel karenge.
it will move here with the force F. It will also move here with the force F. Like if it is in limiting equilibrium with a rough horizontal table, it means ये इधर कोशिश तो कर रहा जाने की, लेकिन फ्रिक्शन के कारण ये इक्विलिब्रियम में है. नाउ इफ दिस बॉडी इज मूविंग हियर विद द फोर्स एफ और द फोर्स एफ इज एक्टिंग ओवर इट, तो इट विल ट्राई टू मूव हियर विद द फोर्स एफ. तो फ्रिक्शन क्या कर रही है, इसको अपोज कर रही है. से दिस इज द फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन से एफ एल. ये लिमिटिंग फ्रिक्शन और ये फ्रिक्शन और ये फोर्स आपस में बैलेंस कर रहे हैं. अगर ये बैलेंस करेंगे तभी ये पार्टिकल यहां से हिलेगा नहीं. सिमिलर इज द केस विद दिस पार्टिकल आल्सो. अगर ये फोर्स इधर जा रही है, एक्ट हो रही है और ये बॉडी नहीं हिल रही है, मीन इसको फ्रिक्शनल फोर्स उसको इस तरफ खींच रही है. एफएमएस, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन. इट इज जस्ट इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम. इट मीन्स दिस फोर्स एंड द लिमिटिंग फ्रिक्शन बोथ आर बैलेंसिंग ईच अदर. तो पहले तो हम फोर्स निकाल लेते हैं. सॉल्यूशन, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस? इट इज के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, दैट इज 9 इनटू 10 रेज टू पावर 9. व्हाट इज द चार्ज? 10 रेज टू पावर माइनस 7, 10 रेज टू पावर माइनस 7. व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर. तो 10 सेंटीमीटर इज 0.1 मीटर. देन होल स्क्वायर. ध्यान रखना है कि हमने हर एक चीज एसआई सिस्टम्स में करी. फाइंड दिस फोर्स, 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 माइनस 7 माइनस 7. व्हाट इज दिस? 10 सेंटीमीटर 0.1 है, इसको सब स्क्वेयर करेंगे तो 0.01 आएगा. दिस विल बी इक्वल्स टू 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 माइनस 14 10 रेज टू पावर माइनस 2. ऊपर जाएगा तो क्या होगा? 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 माइनस 14 प्लस 2, दैट इज 9 इंटू 10 रेज टू पावर 11 माइनस 14, दैट इज 9 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 न्यूटन. द फोर्स इज 9 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 न्यूटन. दिस इज द फोर्स एक्टिंग ओवर दिस और दिस. एज पर द न्यूटन्स लॉ, बोथ आर हैविंग द सेम फोर्सेस. This is the force. And what is the limiting force? आपने 11th में पढ़ा होगा. Limiting friction, you can say. It is mu r. What is r? The reaction. What is the reaction here? This is the reaction. Since they are kept on the horizontal table, अगर ये horizontal table पे है, तो आपको पता होना चाहिए reaction किसके बराबर होता है? Weight के बराबर होता है. This mu r and this mu and r. R should be equals to mg. So this is equation number one. This is equation number two. हमें mu निकालना है, तो हम equate कर देते हैं. According to question, during now you can say at limiting equilibrium, the FL should be equals to F. Limiting force should be equals to the Coulomb's force. What is the limiting force? Mu r, and what is this equals to? 9 into 10 raised to a minus 3. We have to find mu. What is r? Mg. 9 into 10 raised to a minus 3. We have to find mu. What is mass? Mass is 5 grams. 5 into 10 raised to a minus 3. What is g? 9.8. That is equals to 9 into 10 raised to a minus 3. Body of g, acceleration due to gravity, it's 9.8. What is mass? 5 grams. 5 gram में कितने kgs होते हैं? 5 10 raise to minus 3, minus 3, minus 3. Cancel. So what is the value of mu? Mu will be 9 divided by 5 into 9.8. This is the value of mu. आप इसे divide कर सकते हैं. Approximations में आप इसको कर सकते हैं. तो 9 divided by 5 into 9.8. It comes to be 9 upon 5 into 10, that is 9 upon 50, it means it is 0.18, approximately.
You can calculate it by by yourself. This is the coefficient of limiting friction. And the concept behind is that the Coulomb's force is balanced by the limiting force. And here it is. That's okay. Thank you. Thank you very much.